हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर हम एनाटॉमी कैसे पढ़ें, हम एनाटॉमी का एग्जाम कैसे दें। तो मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टडी एनाटॉमी एंड हाउ टू राइट एनाटॉमी आंसर्स इन एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दो टॉपिक्स पे बात करूंगा, यानी एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा एनाटॉमी का आंसर कैसे लिखें और एनाटॉमी कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं कॉपी इवेल्युएट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं लेकिन आखिरी में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब वो क्वेश्चन क्यों छोड़ते हैं उसका भी मुझे समझ में आता है क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो उनको आता है, जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उसमें पूरा टाइम दे देते हैं, आखिरी में टाइम नहीं बचता है तो वो पीछे वाले क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है टाइम खत्म होने की वजह से। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जिससे कि आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरा, हम कैसे आंसर्स को लिखें, यानी कैसे अटेम्प्ट करें, यानी किस किस वे में, किस पैटर्न में हम आंसर देने चाहिए जिससे कि अच्छे मार्क्स आए। एंड चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग न्यू हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी एनाटॉमी की वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने आज की वीडियो देखी तो आप डेफिनेटली पास तो होंगे ही और उसके साथ में अच्छी परसेंटेज के साथ में पास होंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट करने का एक तरीका ये होता है कि आपके हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, एग्जाम स्टार्ट होता है, तो आपको उसमें क्या करना है, पूरा उसको पढ़ लीजिए 2 मिनट में। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में आप देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। अगर आप पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी, यानी आपको पूरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत जरूरी होता है। तो अब क्या करना है आपको, दो सिस्टम में यानी लिखना है एग्जाम को, एक तो पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा हेडिंग वाइज। ठीक है, यानी जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हेडिंग वाइज लिखिए, मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे हेडिंग वाइज लिखना है। दूसरा पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन है तो पॉइंट टू पॉइंट उसका, ठीक है ना, उसका फीचर्स है तो पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा बहुत। ठीक है, तो हेडिंग और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम कैसे एनाटॉमी का आंसर लिखें। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। इसके लिए मैंने क्या किया है, पूरी एनाटॉमी को यानी जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी, उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब पूरी एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 6 कैटेगरी बनाई है, उसके 6 कैटेगरी में सभी ऑलमोस्ट और सभी मतलब टॉपिक्स आ गए। तो वो 6 कैटेगरी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने लैपटॉप पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट एनाटॉमी आंसर्स इन एग्जाम और हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी टॉपिक्स को, एनाटॉमी को मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, यानी एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी इस 6 कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्गन्स, दूसरी कैटेगरी है फोसा ट्राइंगल बॉक्स कैनाल, तीसरी कैटेगरी है बोन्स, चौथी कैटेगरी है जॉइंट्स, पांचवी कैटेगरी है मसल, देन 6th वन इज द जनरल एनाटॉमी। अब जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक, लिवर, लंग, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, यूट्रस एक्सेट्रा, वो सभी एक कैटेगरी बना दीजिए उनकी। ठीक है ना, यानी ऑर्गन्स तो आपको समझ में आता है, अभी सभी ऑर्गन्स को एक कैटेगरी में रखो। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने कैटेगरी बनाई है इन कैटेगरी के हिसाब से, यानी अगर आपको ऑर्गन कैटेगरी का कोई भी अगर आ गया एक क्वेश्चन तो आपको मैं बताऊंगा कि सब में सिमिलर कैसे लिखना है, मतलब क्या क्या हेडिंग सभी में देना है। अगर जैसे मान लीजिए दूसरी कैटेगरी है फोसा, जैसे क्यूबाइटल फोसा या पॉपलीडियल फोसा आ जाए, या ट्राइंगल आ जाए कोई भी, जैसे फीमोरल ट्राइंगल, एंटीरियर या पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक आ जाए, ठीक है, या फिर तीसरा बॉक्स, जैसे बॉक्स आ जाए, जैसे सपोज एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, या फिर कैनाल जैसे एडक्टर कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल, इनमें से कोई भी आ जाए तो वो आपको सिमिलर एक जैसा लिखना है। यानी इसको मैंने बहुत ईजी वे में बता दिया कि क्या क्या लिखेंगे, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई भी आए तो आपको सेम एक ही जैसा मतलब पैटर्न पर लिखना है, जैसे ऑर्गन को एक अलग पैटर्न में, इनको एक अलग पैटर्न में, ठीक है ना। फिर तीसरी कैटेगरी बोन्स, जैसे क्लेविकल, हुमरस, हिप बोन, फीमर, सेक्रम, टिबिया, फिबुला, ठीक है, अल्ना, रेडियस, कोई भी बोन पूछी जाए तो उनको किस वे में आपको लिखना है, यानी कोई भी बोन पूछेंगे तो आपको किस वे में बताना है, वो आपको बताने वाला हूँ आगे। नाउ 4th कैटेगरी है जॉइंट्स, ठीक है। अब जॉइंट्स जैसे सपोज शोल्डर जॉइंट,
एल्बो ज्वाइंट या रिस्ट ज्वाइंट, ठीक है, या फिर जैसे हिप ज्वाइंट, फीमर ज्वाइंट, ठीक है, एंकल ज्वाइंट, ठीक है, या नी ज्वाइंट, तो कोई भी ज्वाइंट आए तो वो सभी ज्वाइंट्स में आपको एक ही पैटर्न पर लिखना है, वो आगे बताने वाला हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ पांचवी कैटेगरी है मसल्स, यानी जैसे मसल, जैसे सपोज डेल्टॉइड मसल आ जाए, या बाइसेप्स ब्रेक आए, या ट्राइसेप्स ब्रेक आए, या फिर जैसे मान लीजिए क्वाड्रिसेप्स फीमोरेस, या कोई भी मसल जैसे, या फिर जैसे सपोज पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस माइनर, ठीक है, तो कोई भी मसल आए तो उसको किस वे में लिखना है, यानी कोई भी मसल आए तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो ये होगी सभी मसल इस कैटेगरी में आ जाएंगी फिफ्थ में, ठीक है ना। अब इसके बाद में सिक्स कैटेगरी, तो सिक्स यानी छठवीं कैटेगरी है, वो है जनरल एनाटॉमी की, क्योंकि जनरल एनाटॉमी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके अंदर मेनली जो है फोर क्वेश्चन मैंने आज तक देखे हैं, यानी जनरल एनाटॉमी में से मेनली चार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। एक तो जनरल एनाटॉमी ऑफ मसल, दूसरा जनरल एनाटॉमी ऑफ बोन, तीसरा जनरल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स, नाउ फोर्थ वन इज द स्किन, ठीक है ना। इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब ये जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के पार्ट्स, फोसा या मसल्स या जॉइंट्स, बोन्स, जितने भी हैं, इन सभी सिक्स कैटेगरी में आएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि ये छह कैटेगरी के हिसाब से आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, ऑर्गन कैटेगरी, ठीक है। तो ऑर्गन जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऑर्गन आए आपको इस पैटर्न में लिखना है, तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। तो ऑर्गन अगर आता है तो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको डिस्टिंक्शन चाहिए, आपको परसेंटेज अच्छी चाहिए, तो और टाइम भी मैनेजमेंट करना है आपको, तो इस पैटर्न में आप लिखेंगे। मतलब ये 14 हेडिंग है, यानी 14 हेडिंग्स है, इन 14 हेडिंग्स को अगर आपने लिख दिया और इनके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बहुत शॉर्ट में अगर आपने लिख दिया, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गन, जैसे सपोज कोई भी ऑर्गन आ जाए, जैसे मान लो स्टमक आ गया या किडनी आ गया, कोई भी आ गया, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, फिर दूसरा उसका लोकेशन, तीसरा शेप, कलर, मेजरमेंट, साइज या वेट, एक्सटर्नल फीचर्स, उसके इंटरनल फीचर्स, रिलेशंस, लिगामेंट या कवरिंग्स, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल कोरिलेशन। तो ये मैं आपको इनके सबके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस में क्या कैसे लिखना है, एक तरीके से बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे किसी भी ऑर्गन का इंट्रोडक्शन आपको बनाना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन है, सबको रट तो सकते नहीं हम, तो हमें क्या अपने माइंड से बना के लिखना पड़ेगा। तो हाउ टू मेक और राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का कोई इंट्रोडक्शन है, कोई भी ऑर्गन आता है, सपोज जैसे मैं आपको चार ऑर्गन की अभी एग्जाम्पल देने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। सपोज जैसे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किसी की भी बनाना है आपको, तो क्या करना है, उसके फोर पॉइंट होते हैं, यानी आप अगर चार पॉइंट ये याद रख लिए आपने, तो आप किसी भी ऑर्गन का इंट्रोडक्शन बना देंगे। तो वो फोर पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर और सिस्टम, यानी पहला पॉइंट दो उसका स्ट्रक्चर के बारे में और सिस्टम के बारे में, किस सिस्टम का है। दूसरा शेप, उस शेप लिख दीजिए। तीसरा उसका लोकेशन, यानी कहाँ लोकेट होता है। और चौथा पॉइंट बनाएंगे उसमें फंक्शन। तो देखिए जैसे मैं बताता हूँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग आंसर आया है, डिफाइन द स्टमक। तो स्टमक का मैंने जैसे बताया ऑर्गन कैटेगरी का है, तो सबसे पहली एंडिंग क्या देंगे आप, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने आपको चार पॉइंट बताए थे ना, पहला पॉइंट था क्या था, ये वाला पहला पॉइंट, जैसे स्ट्रक्चर और सिस्टम का पहला पॉइंट बनाएंगे। तो जैसे स्ट्रक्चर और सिस्टम में, जैसे स्टमक की जो होलो मस्कुलर बैग, यानी ये स्ट्रक्चर हो गया उसका, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना तो मालूम है अपन को, ठीक है। तो पहला पॉइंट बना दिया, दूसरा मैंने बोला था उसका शेप लिखिए, दूसरा पॉइंट, तो इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, जैसे आपको मालूम है स्टमक जे शेप होता है, तो जे शेप लिख दीजिए। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बताया था उसका लोकेशन, यानी पहला उसका स्ट्रक्चर और उसका सिस्टम, दूसरा शेप, तीसरा पॉइंट बना दो उसका लोकेशन कहाँ रहता है। तो जैसे इट इज सिचुएटेड मेनली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है ना। तो जैसे आपको मालूम है मेनली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टमक होता है, तो ये पोजीशन लिख दिया, उसका लोकेशन वाला पॉइंट भी डाल दिया इधर। अब चौथा पॉइंट वो लिखेंगे उसका फंक्शन लिख दो एक कोई, ठीक है ना। तो इट फॉर्म्स ए रिजर्वायर ऑफ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये चौथा पॉइंट, तो ये पूरा बन गया इंट्रोडक्शन, बहुत ईजी है। अब मान लो इंट्रोडक्शन, अब मान लो एग्जाम में आ गया लिवर, तो लिवर का इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, वही चार पॉइंट से। पहला पॉइंट उसका सिस्टम, यानी क्या ऑर्गन क्या है, इसका सिस्टम क्या है, यानी और किस स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो लिवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो मालूम है अपन को ग्लैंड है एक तरह की, तो स्ट्रक्चर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा उसका शेप कैसा है, इट इज वेज शेप ऑर्गन, तो आपको दूसरा वेज ऑर्गन लिख दिया, यानी उसका शेप लिख दिया। तीसरा पॉइंट उसका लोकेशन, सो इट इज सिचुएटेड मेनली इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो आपको मालूम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, या राइट अपर क्वाड्रेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इट परफॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी अब जैसे इसका फंक्शन लिख दिया, तो इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रेंज मतलब रहता है इसका, परफॉर्म करता है। तो ये चौथा पॉइंट, क्लियर।
अब जैसे दो ऑर्गन और ले लिए मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लंग, यानी मान लो किडनी एग्जाम में आ गया तो किडनी के भी वही चार पॉइंट, जैसे सबसे पहला उसका सिस्टम, तो किडनी आ रहे पेयर ऑफ एसकेटी ऑर्गन, एसकेटी ऑर्गन सिस्टम का, एसकेटी सिस्टम का रहता है। दूसरा उसका शेप, ईच किडनी इज बीन शेप्ड ऑर्गन। तीसरा किडनी आर सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर लोकेशन आ गया। चौथा पॉइंट, दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच। तो ये फंक्शन हो गया। तो चार पॉइंट से बना के आपने बना दिया किडनी का भी। अब ऐसे ही मान लो चौथा कोई, अगर मान लो अगर एक और मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे लंग आ गया, तो लंग का इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे? सो लंग्स आर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो जैसे इसमें लिख दिया ये कौन से सिस्टम का है, रेस्पायरेटरी सिस्टम का पहला पॉइंट। दूसरा उसका शेप, दे आर कॉनिकल और पिरामिडल इन शेप, दूसरा पॉइंट हो गया शेप। तीसरा पॉइंट इसका सिचुएशन, सो या लोकेशन, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, बहुत ईजी है भाई। चौथा पॉइंट इसका फंक्शन, सो दे ऑक्सीजनेट द ब्लड। तो इस तरीके से ये इसका फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गन का यानी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेप, लोकेशन और पॉइंट फंक्शन, ये चार पॉइंट डाल दो उस ऑर्गन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन हो गया सही, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं दूसरा। अब दूसरी हेडिंग है ऑर्गन, अगर कोई भी आता है लोकेशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लोकेशन, अब जैसे पहले रिपीट करी अपन ने अभी उधर, तो यहाँ रिपीट कर देंगे उसमें। जैसे जैसे लोकेशन अपन ने एक बार तो इंट्रोडक्शन में लिख दी यहाँ, लेकिन डिटेल में लिखना होगा थोड़ा सा लोकेशन। जैसे कि मान लो स्टमक आया, तो स्टमक का लोकेशन कहाँ होता है? स्टमक लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, जो नाइन क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्ब्लाइकल रीजन। तो ये आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लिवर आ गया, तो लिवर कहाँ सिचुएटेड रहता है? लिवर इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मालूम है आपको, ठीक है ना। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से थोड़ा एक्सटेंड करता है ये किधर, अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम एंड अप टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये इसका लोकेशन हो गया, ठीक है। तो मतलब थोड़ा डिटेल में लिखेंगे वही कि कहाँ से कहाँ जाता है, उसमें शॉर्ट में था इंट्रोडक्शन में, इसमें डिटेल में लिखेंगे, ठीक है ना। एंड जैसे मान लीजिए किडनी आ गया, तो किडनी किस किस लोग नाइन क्वाड्रेंट्स में से किस किस में आती है? एपिगैस्ट्रियम में होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में फिर जैसे एपिगैस्ट्रियम के बाद में हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, अम्ब्लाइकल रीजन्स में आती है। और वर्टिकली देखें तो उसमें वर्टिकल भी पॉइंट डाल सकते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम L T12 यानी थोरेसिक 12 से L3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है ऊपर से नीचे। तो ये हो गया इसका लोकेशन, इस टाइप से लोकेशन डालेंगे उसका, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग देखिए, हेडिंग वाइज लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हो जाता है, बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। तीसरी हेडिंग तो शेप, तो शेप जैसे मैंने बता दिया, हर किसी का शेप आपको मालूम है। स्टमक का जे शेप होता है तो स्टमक की जे शेप उसमें लिख दो, ठीक है। एंड लिवर है तो वेज शेप, किडनी है तो बीन शेप, ठीक है ना। लंग्स है तो कॉनिकल या पिरामिडल शेप, स्प्लीन है तो वेज शेप, यूट्रस पूछा जाए तो पियर शेप। तो ऐसे शेप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शेप दे दीजिए। फिर चौथी हेडिंग लिखेंगे आप क्या, कलर। तो किसी किसी ऑर्गन का कलर भी मालूम होता है अपन को, ठीक है ना। तो जैसे कि कलर में जैसे किडनी है तो रेड ब्राउन कलर, सो किडनीज आर द रेड ब्राउन कलर, ठीक है ना। एंड जैसे रेडिश ब्राउन रहता है, उसके बाद में लिवर भी रेड ब्राउन होता है। लंग का ग्रे कलर होता है तो ग्रे ब्राउन कलर। जैसे स्प्लीन आ गया तो स्प्लीन में क्या लिखेंगे, स्प्लीन इज पर्पल इन कलर, ठीक है। तो कलर डाल सकते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो उसके बाद में अब बात करेंगे अपन मेजरमेंट, ठीक है। पांच भी हेडिंग है, मेजरमेंट, साइज और वेट, ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी मेजरमेंट के अंदर में आता है साइज वेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टमक आ गया, तो स्टमक का आपको मालूम है मेजरमेंट में क्या लिखेंगे, उसका लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि स्टमक की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लिख सकते हैं स्टमक इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। अब दूसरा लिवर है, तो लिवर में आप उसका वेट लिख सकते हैं, जैसे कि 1400 ग्राम्स इन फीमेल एंड 1600 ग्राम इन मेल। तो वेट लिख सकते हैं लिवर का, तो ये भी मेजरमेंट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी मेजरमेंट हेडिंग में आएगा। अब सपोज स्प्लीन आ गया, तो स्प्लीन के तो बहुत सारे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑड नंबर में जैसे उसके मेजरमेंट याद रखना बहुत ईजी है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये उसमें ऑड नंबर के हिसाब से मेजरमेंट होते हैं सब, जैसे 1 सेंटीमीटर थिक, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 ounce उसका वेट और 9 to 11th रिप से रिलेटेड होता है। तो ये इसका मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। किडनी है तो जैसे किडनी का भी आपको मालूम है 3 सेंटीमीटर उसका जो है थिक रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर ब्रॉड रहता है एंड उसके बाद में फिर 11 सेंटीमीटर उसका लेंथ रहता है, ठीक है ना। अब वेट भी लिख सकते हैं किडनी का, तो वेट भी याद रहता है अपन को। एंड मेल में जैसे जैसे देखें तो 150 ग्राम की होती है, फीमेल में 135 ग्राम की होती है, ठीक है ना। एंड जैसे अब लंग्स आ गया, तो लंग्स में भी लिख सकते हैं आप, जैसे राइट लंग का वेट कितना रहता है आपको मालूम है? राइट लंग का वेट रहता है 700 ग्राम और लेफ्ट रंग का जो है रहता है कितना, 50 ग्राम्स कम रहता है, अप्रोक्सीमेटली 650 ग्राम्स रहता है। तो मतलब ये मेजरमेंट में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग लिखना है ऑर्गन का, एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर में भैया क्या रहता है पूरा, उसमें जो है आपको लिखने पड़ेंगे उसके बॉर्डर, सरफेस, ठीक है ना, एंड अपेक्स, बेस, एंड्स, ठीक है ना, कर्वेचर, पार्ट्स या लोब्स, हाइलम, ये सब कुछ आता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे लंग आ गया सपोज,
तो लंग में क्या रहते हैं, कितने बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिख दीजिए। सरफेस, जैसे 2 सरफेस होते हैं लंग में, ठीक है ना, एक कॉस्टल सरफेस, एक मीडियल सरफेस। जैसे मीडियल सरफेस को फर्दर सब डिवाइड कर दिया मीडियास्टिनल पार्ट और वर्टिब्रल पार्ट में, तो ऐसे आपको थोड़ा डिटेल में उसमें थोड़ा एक एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब आते हैं एक्सटर्नल फीचर में, ठीक है ना। जैसे उसमें एक अपेक्स होता है, एक बेस होता है, अपेक्स डायरेक्टेड अपवर्ड, बेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम, जैसे लंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से बेस, अपेक्स, बॉर्डर, सरफेस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्टमक आ गया, तो स्टमक में भी ऐसी बॉर्डर सरफेस वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, यानी कर्वेचर आ जाते हैं, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ठीक है ना। उसमें एंड भी होते हैं, जैसे कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड, ठीक है ना। एंड अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में हाइलम भी होता है, ठीक है। हाइलम भी इसी में मेजरमेंट में लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फीचर में। हाइलम हो गया, लोब हो गए, जैसे लोब लिवर में भी होते हैं, लंग में भी होते हैं, ठीक है। जैसे राइट लंग हैव 3 लोब एंड लेफ्ट लंग हैज 2 लोब, ठीक है ना। तो वो लोब्स के बारे में, फिसर, ऑब्लिक फिसर, हॉरिजॉन्टल फिसर, तो ये सब मतलब आपको लिखने हैं एक्सटर्नल फीचर में। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है इंटरनल फीचर, ठीक है ना। तो इंटरनल फीचर, जैसे कि मान लीजिए आप स्टमक आता है सपोज, तो स्टमक के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो जैसे कि इंटरनल फीचर में उसके इनर एस्पेक्ट पे लिखना है। तो जैसे स्टमक को ओपन करें तो क्या दिखता है उसमें, म्यूकस फोल्ड दिखते हैं, जैसे रूगा या रूगी बोलते हैं उनको, म्यूकस फोल्ड दिखते हैं, गैस्ट्रिक कैनाल बनती है, पिट्स दिखते हैं उसमें ओपनिंग, ठीक है ना, ग्लैंड्स की ओपनिंग, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे किडनी आया, तो किडनी का इंटरनल में क्या लिखेंगे आप, जैसे किडनी को कट करें तो क्या दिखता है, आउटर में कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला, उसमें फिर जैसे पिरामिड दिखते हैं, रीनल कॉलम, कैलेक्स, मेजर माइनर, ठीक है। ये सब इंटरनल फीचर्स में लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। और इसके साथ में माइक्रोस्कोपिक भी लिख सकते हैं कुछ कुछ ऑर्गन्स का अगर आता है, तो जैसे स्टमक का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, या फिर जैसे किडनी का आया, तो किडनी में माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा, नेफ्रॉन वगैरह के बारे में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एंड जैसे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, जैसे स्टमक आ गया तो स्टमक का स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो आउटर सिरोसा यानी 4 लेयर्स के बारे में, या इंटेस्टाइन आ जाए तो उसका सेम रहता है, जैसे सिरोसा, आउटर सिरोसा, फिर मस्कुलर लेयर, देन सब म्यूकस, पर म्यूकस लेयर, तो इस टाइप से उसका पूरा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सब इंटरनल फीचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिलेशन। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन मींस होता है उसके नियर बाई कौन से ऑर्गन है, जैसे आगे कौन, पीछे कौन, यानी एंटीरियर में कौन कौन स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर में कौन है, सुपीरियर कौन है, इन्फीरियर कौन है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स का लिखना पड़ता है। अब जैसे रिलेशन मान लीजिए एब्डोमिनल ऑर्गन है, तो उसमें 2 टाइप्स के रिलेशन लिखने होते हैं आपको, हेडिंग वाइज लिखेंगे तो पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन, ठीक है ना। अब पेरिटोनियल रिलेशन में जैसे पूरा बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए यूट्रस आ गया, ठीक है ना। अब यूट्रस में पेरिटोनियल रिलेशन में वही आ जाएगा पूरा, जैसे उसके लेगा फोल्ड्स वगैरह जो बनते हैं, ठीक है ना। या जैसे मान लीजिए स्टमक आ गया, तो स्टमक का जैसे आपको पता है पेरिटोनियल रिलेशन में क्या आएगा, ग्रेटर कर्वेचर से जो ओमेंटम निकलता है, ग्रेटर ओमेंटम, वो भी पेरिटोनियम है। लेसर ओमेंटम से एक्शन करता है लेसर ओमेंटम, सॉरी लेसर कर्वेचर से लेसर ओमेंटम। तो ये आ जाएगा पूरा किसमें, रिलेशन में, पेरिटोनियल रिलेशन। और दूसरा विसरल। अब विसरल में जैसे कौन से विसरा आते हैं, जैसे किडनी का विसरा देखें अपन, तो किडनी के एंटीरियर में जो ऑर्गन्स आते हैं वो सब, जैसे राइट किडनी में गैस्ट्रिक रिलीवेस, जैसे राइट किडनी में जैसे हिपेटिक पार्ट आता है, उसके बाद ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनल, सुप्रारिनल ग्लैंड, ठीक है ना। एंड लेफ्ट में जैसे गैस्ट्रिक इंप्रेशन आता है उस पर, ठीक है ना, पेनक्रियाटिक रहता है, ठीक है ना। उसके बाद स्प्लीनिक और सुप्रारिनल ग्लैंड, इसके बाद में मतलब जेजुनम, कोलिक फ्लेक्चर वगैरह, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गए कौन से, विसरल, विसरल विसरा से रिलेशन है, ठीक है ना। ऐसे ही पोस्टियर सरफेस पर, यानी स्टमक में, स्टमक बेड बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो ये सब आपको लिखने पड़ेंगे रिलेशन में, ठीक है। तो रिलेशन हो गया। उसके बाद लिगामेंट्स और कवरिंग्स। तो लिगामेंट्स भाई, जो लिगामेंट्स जो होते हैं, यानी वो लिगामेंट्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सपोज यूट्रस आ गया, तो यूट्रस में टू टाइप्स के लिगामेंट लिख सकते हैं, ऐसे फॉल्स लिगामेंट, ट्रू लिगामेंट्स, ठीक है ना। तो जो फॉल्स लिगामेंट होते हैं, जैसे कौन सा फॉल्स लिगामेंट, जैसे पेरिटोनियम से बनता है, जैसे ब्रॉड लिगामेंट, वो फॉल्स की कैटेगरी में आता है। ट्रू में देखें तो राउंड लिगामेंट जैसे हो गया, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट हो गया, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हो गया, तो ये सब क्या आते हैं, ट्रू लिगामेंट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रू लिगामेंट्स के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में कुछ लिखेंगे। कवरिंग जैसे अगर बात करें, तो जैसे किडनी के ऊपर कवरिंग होती है, पैरारीनल फैट, पैरानेफ्रिक फैट, या फिर ठीक है ना, या जैसे रीनल फेसिया, ये सब कवरिंग्स हैं, तो ये कवरिंग लिगामेंट इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद